गुड मॉर्निंग भगवान जी, गुड मॉर्निंग लड्डू गोपाल। मेरे पास आ जाओ, खाने दो उसको। अच्छा हो गया, चल फिनिश हो गया था ना। अपनी अपनी ट्रीट करके खत्म कर जाओ, उसके ऊपर चिल्ला रहे। सो जी, वर्कआउट हो गया है, बच्चों को बाहर खाना खिला दिया है। अब जाके घर देखते हैं कि मेरे अपने दो मारुति क्या कर रहे हैं। चलते हैं फटाफट घर, आज खाना भी बनाना है क्योंकि विकास आ गया है, तो अभी चले फटाफट घर। नहीं तो भाई, एक स्पेसिफिक टायर है मेरी गाड़ी का, बार 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 हर बार वही पंचर होता है। दिस इज द थर्ड टाइम जो वो पंचर हो रहा है जब से गाड़ी मेरे हाथ में आई है। सो फाइनली मैंने पापा की वेन्यू चलानी शुरू करी है, क्योंकि पापा यहाँ पे है भी नहीं, एंड बलिनो ने सेल कर दी क्योंकि उसमें कुछ 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 प्रॉब्लम्स आ रही थी। छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, खाने का मन नहीं है तो मटन ना खा, ऐसा ना खा ले। देखो कैसे छुपा रहे, सुना नहीं छुपा। मटन क्या कर रहे हैं? मटन छुपा रहे, चीजी छुपा रहे। मटन पागल हो गया क्या? पागल हो गया बेटा, कहाँ छुपाई? देखा मम्मा को तो दिख रही है, कहाँ गई? मम्मा को तो दिख रही है। बस अब बैठ जा शांति से। जो बमाच बच्चे होते हैं ना, उनको ऐसे ही चोट लगती है। बमाच वही बमा। कैरेट खा ली? हाँ, पेतू नहीं भरे चुना? चुना वही मेरे चुने। तो क्या हो तू, इतना बमाच क्यों है? छोटा सा पैकेट है, तू छोटा सा पैकेट है, 3 किलो का भी नहीं है। बमाच ही तेरी इतनी है कि पूछो मत। देख ले मम्मा को लग रही है, ले तुझे रबर बैंड चाहिए, ले ले तू रबर बैंड ले ले। खुश, तू खुश है? क्या बात है, नहीं हो क्या रहा है, दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत आ रही है? मम्मा दीदी अपने घर जाएगी बेटा, दीदी ऑफिस नहीं जाती, दीदी को घर जाना है। 10 मिनट के रास्ते में ऐसी तेरे को क्या दिक्कत आ जाती है छोना? सिर्फ 10 मिनट का रास्ता, बस पहुंच गए थे ग्रीन लाइट होने वाला। 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स। मम्मा का गुड बॉय देख, एस्टन भी तो चुपचाप बैठा है ना। एस्टन अब तुझे क्या हुआ, तुझे कौन सी बीमारी हो गई है? मतलब वो शांत हुआ है तो तेरी बदमाशी शुरू। हाँ सोची, फाइनली रीच ऑफिस, नीचे वाले रूम में बैठाए इन लोगों को, थोड़ा सा इनके लिए भी चेंज होगा। प्लस ऊपर अभी एसी जस्ट ऑन होता है क्योंकि रूम में हम ऑफ करके क्लोज करके जाते हैं, ऊपर थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर चलेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे ठीक है, हैं यहाँ ठीक है, हैं कंजर। एस्टन क्या करे चुना, क्या कर ले चुनू? अभी चलेंगे ऊपर, ठीक है, क्लीन हो जाएगा ना, फिर ऊपर चलेंगे अपन नहीं दोनों यहाँ से, जब तक पोछा नहीं लग जाएगा। खाली मुँह चलाते रहने, कभी कुछ खाने। पैसा बर्बाद। माचिन लो, धीरे धीरे सुना, आज पीपी नहीं आ किया दोनों ने किसी ने? अभी थोड़ी देर में पानी पीना थोड़ा सा, ठीक है, तीस लेके खा ले चुना। क्या हुआ बेटा? एस्टन ले, मार्टिन एस्टन की बारी है। कितनी नींद है दोनों की, मम्मा काम कर रही है ऑफिस में और तुम दोनों छोड़ रहे हो खिलाते माल माल की मम्मा के सामने। इतना कूदा खादी करते ही कि इतना थक जाता है। एस्टू मेरी एस्टनॉट। वैसे मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती थी, बट आप लोग के बहुत सारे DMs आ रहे थे, एंड आई नो आप लोगों ने स्कूबी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, एंड बहुत बहुत उसको, आप लोग भी उससे इमोशनली कनेक्ट थे। तो आई एम सॉरी टू से शी इज़ नो मोर, एंड होली के बाद ही उसकी तबीयत ज़्यादा काफ़ी ख़राब हो गई थी, एंड वो कैंसर से सफ़र कर रही थी लास्ट 2 मंथ से। उसका कीमो वगैरह चल रहा था, मैंने बहुत कोशिश करी, इनफैक्ट हमने बहुत कोशिश करी कि बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर कंसीडर किया, बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट कंसीडर किया, बट ड्यू टू एज उसकी बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही थी। तो
दिस इज द रीज़न कि इसको भी व्लॉग्स में नहीं आ रही है, बट फॉर मी, हम सब के लिए वो हमारा पहला बच्चा था और है और हमेशा रहेगा. इमोशंस बहुत हैं उसके साथ, शायद पता नहीं. एनीवेज, गॉड ब्लेस हर, जहाँ भी है, जिस भी घर में है, उसको हमारे से ज़्यादा अच्छे मम्मी पापा मिले, ज़्यादा प्यार करने वाले लोग मिले, बस यही प्रे रहेगा मेरा हमेशा. एंड सॉरी. एंड मैं उसी के साथ आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, जितने भी पेट पेरेंट्स हैं, जो गलती हमने करी वो आप लोग ना करें. एट सर्टन एज स्प्रे करवाना डॉग्स का बहुत ज़रूरी होता है. बहुत से लोग बोलते हैं नेचुरल प्रोसेस है, चलना ज़रूरी है, स्प्रे मत कराओ. मैंने भी लोगों की बातों में आके उसका स्प्रे नहीं करवाया, नेचुरल प्रोसेस. बट जो मेजर डॉग्स में रीज़न रहता है, मेल्स में, फीमेल्स में, वो स्प्रे ना कराने का रहता है, क्योंकि उसकी वजह से एट सर्टन एज के बाद उनकी बॉडी में कैंसर, ट्यूमर करके बीमारियाँ आने लगती है. सो आप अपने डॉक्टर से चेक कर सकते हैं राइट एज स्प्रे की क्या है. मैं सजेस्ट करूँगी आफ्टर वन ईयर आप करवा लीजिए. बहुत ज़्यादा एज क्रॉस भी ना करें एंड बहुत छोटे में भी ना कराएं. तो प्लीज़ मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, इस चीज़ पे ज़रूर गौर करिएगा अगर आप एक अच्छे पेट पेरेंट हैं और आप चाहते हैं आपका बच्चा आपके पास लॉन्ग टाइम तक रहे. एस्टन देखो कौन आया. एस्टन शू देखो कौन आया. देखो कौन आया. ओए बेटा, तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे पापा पक्का. ओए मार्टिन, तेरा एटीट्यूड ना कसम से तेरे पापा से भी ज्यादा है. क्या छोड़ा यार, ऐसे ही प्यार कर लेता वो आधा निकला. कितना सोएगा यार, कितना सोएगा. सो बेटा सो, अभी ट्रेनर आने वाला है. सो मैं भी यही चाहती हूँ, सो आराम से. Sometime later. No. Come. Sit. Wait. No. Wait. No. Sit. Wait. Eat. Good boy. Good. Ashton, तू बेइज्जती करा रहे ना? है? इधर देख, पापा के आते इधर ड्रामे शुरू हो गए. हाँ? क्या बात कर रहे हैं? कल तक कर रहा था. हाँ, कल भी किए, उस दिन भी किए, दो दिन से तो कर ही रहा था. पता है ना, चार महीने बाद एग्जाम है. एग्जाम है चार महीने बाद. विन्नी बुआ के मारेगी, कुछ नहीं सीखेगा तो. चल अरे आलसी, उठ जा. अरे दोनों पैर ऐसे कर और उठ. ये ट्रेनिंग के टाइम में तो तुम दोनों की जान निकली थी, अभी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो तुम लोग. है आज आपने क्यों नहीं पढ़ाई करी ढंग से? मार्टिन आप क्यों नहीं पढ़े? इधर आओ मम्मा पास. मम्मा पास आओ. क्यों नहीं पढ़े आप? हैं, आप तो मम्मा के गुड बॉय हो ना, क्यों नहीं पढ़े? हैं, आप तो अच्छा कर रहे थे फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे में क्या हुआ? हैं, बस हो गई टाइट फेस, नहीं पढ़ाई करनी. खोलो इसको, रात को पहनेंगे, गाड़ी में जाएंगे. और तू इधर आ कंजर, इधर आ, तेरे को खाली लड़ने के लिए चाहिए तेरे को. इधर आ. ये देखो भैया ने ना ढंग से खाना बांधा नहीं इसको कंजर को, और आगे कूद के आगे कुत्ता क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बदमाशी. रेड लाइट पे खड़ी है मम्मा, इसीलिए रुक जा, मैं तेरे को बांध. मार्टिन तू चाहता क्या है? गाड़ी चलाना चाहता है? लोगों को देख के भौंक रहा है, सब तेरे घर थोड़ी जाएंगे बेवकूफ. क्या हो, क्या हो, क्या हो, क्या हो, क्यों परेशान कर रहे हो एक दूसरे को? क्या हुआ मार्टिन? जाते इसके नीचे और फंस जाते. आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा एंड इन दोनों बदमाशों की बदमाशियाँ पसंद आ रही होंगी. मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री कृष्णा. अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपनी हेल्थ का बहुत सारा ध्यान रखिए. जय श्री कृष्णा.